हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी ऑनली चैनल। तो मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ एक अकाउंट का नया टॉपिक लेके। टॉपिक में जो है बहुत सिंपल है, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आप सभी के लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। तो आज मैं एक छोटा सा एडजस्टमेंट बताऊंगा फाइनल अकाउंट का, जो अकाउंट में 99% हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर क्वेश्चन में रहता है और इसके मार्क्स आपको हमेशा सिक्योर हो जाते हैं। अगर ये एडजस्टमेंट आपने सीख लिया तो आपके मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं कुछ मार्क्स। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सिंपल में हम सीखते हैं एक छोटा सा एडजस्टमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लोजिंग अकाउंट के अपना फाइनल अकाउंट के क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट के बारे में। तो ये एडजस्टमेंट 99% हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर क्वेश्चन में रहता है। तो ये जितने टाइप से पूछा जाता है वो सब टाइप में आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहला जो इसका इफेक्ट है, इसमें एक सॉन्ग है छोटा सा, वो आपको याद करना है कि क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट जो है दो में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, गाना एक ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट और एसेट साइड मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। फिर से गाते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट एसेट साइड मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। हम लोग अगर ये दो तीन बार अगर ये याद कर ले तो हमारा ये एडजस्टमेंट यहीं पे बोलते बोलते ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं कि एडजस्टमेंट के बारे में। तो इसमें देखो, इसमें लिया वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज कॉस्ट प्राइस इज 10,000 एंड मार्केट प्राइस इज 20,000। तो ये 10,000 है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस 20,000 है। तो हमारा एडजस्टमेंट क्या हुआ बोलता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट एसेट साइड। तो एक इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है, और एक बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और यहाँ पे आएगा स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक जो भी लिखो। तो दो इफेक्ट आपके चले जाएंगे वहां पे, ठीक है। और अमाउंट कौन सा आएगा, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो देखने का मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में से कौन सा छोटा है, तो देखेंगे छोटा अमाउंट है 10,000। तो कुछ नहीं करना है, कुछ प्लस माइनस नहीं करना है, ये छोटा अमाउंट जो दिख रहा है ना वो यहाँ पे लिख देना है जो एडजस्टमेंट है उसके सामने, ठीक है। सिंपल मतलब मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस जो छोटा अमाउंट दिखे, चाहे मार्केट प्राइस का अमाउंट छोटा दिखे चाहे कॉस्ट प्राइस का अमाउंट छोटा दिखे, जो छोटा दिखे वो हमें लिख लेना है उसके सामने, ठीक है। एक इफेक्ट देना हमें ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में और दूसरा इफेक्ट देना है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। ये क्लियर हो गया, तो 99% तो ऐसा ही एडजस्टमेंट आता है हमेशा। कभी कभार वो लोग थोड़ा घुमा के भी दे देते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक मार्केट प्राइस इज 50,000 विच इज 10% लेस देन ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो इसमें क्या है, इसके ये क्या बोल रहा है, हमें क्या छोटा अमाउंट लिखना है ना, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये 50,000 जो है ये 10% है, 10% छोटा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें तो छोटा अमाउंट ही लेना है। तो सिंपल सा इसमें कुछ नहीं करना, छोटा अमाउंट जो लिखा है 50,000 वो दिख रहा ना, ये 10% लेस है कॉस्ट प्राइस से, तो ये 50,000 वहां पे लिखना है ना ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। तो सिंपल था ये, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आता ही है और ये सिंपल है बहुत, हर एग्जाम में आता है, हर क्वेश्चन में आता है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप सभी को ये समझा होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट आता है, कुछ क्वेरी आता है तो हमें कमेंट करके बताएगा, तो आपका जो है डाउट क्लियर करेंगे और जल्दी से जल्दी उसका नया वीडियो बना के एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी ने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।